अगर आप भी अपनी बिजी लाइफस्टाइल के चलते सुबह के ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ऐसा करना आपको बीमार बना सकता है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि सुबह का नाश्ता स्किप करके आप खुद की सेहत के साथ कितना बड़ा जोखिम ले रहे हैं। नाश्ता स्किप करने से आप कुछ बीमारियों को न्योता दे रही हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील मिस करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। नंबर वन, आपके शरीर में हो सकती है पोषक तत्वों की कमी। ब्रेकफास्ट अगर आप रोजाना स्किप कर रहे हैं तो आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। अगर आप सुबह सुबह कुछ हैवी नहीं खाना चाहते तो लाइट ब्रेकफास्ट कीजिए, लेकिन जो भी खाएं वो पोषक तत्वों से भरपूर हो। नंबर टू, बढ़ सकता है शुगर का लेवल। सुबह नाश्ता ना करने से ब्लड शुगर लेवल में भारी उतार चढ़ाव होता है, खासकर तब जब आप दोपहर में देर से खाना खाते हो। वहीं सुबह नाश्ता करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रह सकता है। अच्छे और हेल्दी फूड के साथ अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं तो डायबिटीज का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। नंबर थ्री, मेटाबॉलिज्म हो जाता है स्लो। अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म पर भी बुरा असर डालता है। नाश्ता ना करने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाश्ता आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो वो स्लो होगा ही, लिहाजा कैलोरीज भी कम बर्न होंगी। नंबर फोर, इम्यूनिटी होने लगती है कमजोर। सुबह का नाश्ता स्किप करने का मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो रही है। रात के खाने के बाद सुबह के नाश्ते के बीच 7 से 8 घंटे की गैपिंग होती है। ऐसे में अगर आपने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया तो सेल्स को नुकसान पहुंचने लगता है। इसीलिए अगर आप इम्यून सेल्स को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो रोजाना ही अपना ब्रेकफास्ट जरूर करें।